नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं सेविंग्स के इंपॉर्टेंस और इन्वेस्टमेंट से तमाम ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, जिस तरह से जो आपके प्रश्न आए उनको शामिल करते हुए। शो में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेल्सन डिसूजा साहब, जो कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईफर्स्ट फाइनेंशियल। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है नेल्सन साहब शो में। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। और देख लेते हैं आज किस तरह से हम क्वेरीज को इंक्लूड कर रहे हैं। पोर्टफोलियो प्लानिंग संबंधित क्वेरी है, ज्यादा लिया जाएगा किस तरह से हम उस इंडिविजुअल के पोर्टफोलियो में ओवरऑल प्लानिंग हेल्प करेंगे। वहीं पर जो निवेश के विकल्प रहेंगे सुरक्षित, उनको हम इंक्लूड करेंगे। कई और प्रश्न भी हैं, पीपीएफ सेंट्रिक सवाल है, इसका ज्यादा लिया जाएगा। इसके अलावा कई और प्रश्न आगे चलते हैं, उनको भी इंक्लूड करेंगे। आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहें तो प्रश्न हम तक भेजने के लिए आप मेल कर सकते हैं moneyguru@znetwork.com पर, और SMS के जरिए ज्वाइन करना चाहें तो सेव लिखते हुए मोबाइल के मैसेज बॉक्स में स्पेस देते हुए अपना नाम, जहां से पूछ रहे हैं अपना नाम, प्रश्न और कंप्लीट डिटेल्स 57575 पर आप SMS करते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले को आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो शामिल हो रहा है वो राजकोट से है। प्रश्न पूछने के लिए शशांक चंदौक जी समय लाइन पर हैं, और आइए देखते हैं इनका सवाल एग्जैक्टली क्या है और फिर उस पर आने की कोशिश करेंगे। शशांक साहब इनफैक्ट बैंकिंग क्षेत्र में है, एक पीएसयू बैंक में काम कर रहे हैं, और अभी कुछ ही समय हुआ इनको ज्वाइन किए, और इस तरह से ये प्लानिंग करना चाह रहे हैं। 15 साल के लिए इनके इन्वेस्टमेंट की योजना है और 5,000 to 6,000 पर मंथ ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। आपको स्वागत है मिस्टर चंदोक। बहुत खूब, आप जिस तरह से अभी जॉब को स्टार्ट किए कुछ ही समय हुआ है, और आप ये इन्वेस्टमेंट अभी जिस तरह से अर्ली प्लान कर रहे हैं, एडवांटेज आपको जरूर इसका मिलना चाहिए। समझो ये हम देख रहे हैं, आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ये जो पूरी योजना जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ गोल्स आपने सेट किए हैं, एग्जैक्टली किस तरह से पूरी प्लानिंग है कुछ आप बता सकते हैं प्लीज। सर एक्चुअली अभी मैंने जो है यूनियन बैंक ज्वाइन की, ज्यादा मेरे को टाइम तो हुआ नहीं है जी, तो मेरा एकदम न्यू है एक्सपीरियंस, पहले मैंने कभी इन्वेस्ट किया नहीं है इससे पहले जी, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मैं कि किस साइड जाऊँ, किस साइड इन्वेस्ट करूँ। आपको राय दिलवाते हैं क्योंकि आप यंग हैं, आप रिस्क ले सकते हैं और रिटर्न्स के लिए आप जिस तरह से बेटर रिटर्न्स के लिए उस तरफ बढ़ेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि इक्विटीज में थोड़ा बहुत रिस्क जरूर शुमार रहता है। नेल्सन साहब आप कैसे इनको राय देना चाहेंगे, ये जर्नी किस तरह से तय करें, एक लंबा सफर रहेगा लेकिन जिस तरह से इन्होंने अर्ली स्टार्ट किया है ये पूरी प्लानिंग जो करें, ये म्यूचुअल फंड्स में अगर ये बढ़ें तो क्या इनिशियली लार्ज कैप पर फोकस करें, ये कैसे पूरा पैन आउट करना चाहिए और रिटर्न्स किस तरह की एक्सपेक्ट करें आगे चलते हुए। अच्छा, पहली बात ये बता रहे थे कि उनको डायरेक्शन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मगर मुझे लगता है कि उन्होंने डायरेक्शन ठीक ही लिया है। पहले तो इस प्रोग्राम पे आके उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या वो एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए वगैरह, तो उनको जो राय मैं दिला दूंगा वो म्यूचुअल फंड नहीं रहेगी। मगर अच्छी बात ये है कि 24 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इन्वेस्टमेंट शुरू करें और लॉन्ग टर्म की तरफ देख रहे हैं, 15 ईयर्स की तरफ देख रहे हैं, तो अच्छी बात है और आगे जाके वो अच्छा करेंगे अपने लिए। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है तो उनको स्टार्टिंग में लार्ज कैप या बैलेंस कैप बैलेंस्ड फंड्स की तरफ देखना ही चाहिए, क्योंकि इनमें जो रिस्क एलिमेंट जो होता है वो मिड कैप या स्मॉल कैप से कम ही होता है। तो यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आता है तो उसको थोड़ा कंफर्ट लेवल मिलता है कि जो फंड्स हैं वो थोड़े सेफ और कंजर्वेटिव टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, मगर आगे जाके जब उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा फंड्स में तो उनको मिड कैप्स की तरफ ही देखना चाहिए, क्योंकि मिड कैप्स में पैसे डालोगे तो रिस्क बढ़ेगा मगर इसके साथ रिटर्न भी उतना ही बढ़ेगा। मेरी राय रहेगी उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मेरे पास 3 फंड्स हैं, उन्होंने बताया कि उनके पास 6,000 का जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है उसके लिए इन 3 फंड में वो इन्वेस्ट करें। ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड में 2,000 रुपये लगाएं, HDFC प्रूडेंस फंड इसमें 2,000 रुपये लगाएं और IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड में 2,000 रुपये लगाएं, और हर साल एक बार इन तीनों फंड को रिव्यू करें। जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता जाएगा उनको और फंड्स ऐड करने हैं। इन फंड्स के लिए इस प्रोग्राम को देखते रहें और एक्सपर्ट्स, मेरे जैसे जो एक्सपर्ट जब आएंगे तो हमारी राय ले लें और इन्वेस्ट कर लें। अच्छा नेल्सन साहब, जिस तरह से अभी तो जो अमाउंट इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं आपने इनको राय दी किस तरह से बढ़े, अगर इस अमाउंट को आगे चलते हुए जैसे ये प्रोफेशनली और ग्रो करते हैं तो इन दैट केस जो ऑन अगर ज्यादा करें और फिर उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें तो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 15 इयर्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो इक्विटीज में तो इसको साथ में इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो में, क्या पीपीएफ टाइप इंस्ट्रूमेंट्स भी लें, क्योंकि वो भी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक टूल रहता है, तो पोर्टफोलियो में डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए इस जर्नी को तय करें।
हाँ जी, देखिए जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा आपको अपने पोर्टफोलियो में डेट का कंपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा। डेट मतलब जो सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट का जो वर्ल्ड है वो दो तरफ दो पार्ट में डिवाइड है, एक इक्विटी है और एक डेट साइड है। ये जो आप इन्वेस्टमेंट अभी जो मैं आपको राय दिला रहा था तो ये सब इक्विटी में है, बट आगे जाके आपको थोड़े डेट में भी पैसे लगाने, जैसे पीपीएफ जहां अभी हमने बात की, तो धीरे धीरे आपका जो पोर्टफोलियो उसमें आप डेट भी बढ़ाते जाइए। बेसिकली हम लोग एडवाइजर बताते हैं कि आपका जो एज है उसका उसका जो परसेंटेज, जैसे अभी मेरा एज 30 है तो 30% मेरा जो पैसा है वो डेट में लगना चाहिए और बाकी 70% इक्विटी में लगना चाहिए। आपके जजमेंट पे आप डिसाइड कर लें कि कितना परसेंटेज आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का डेट में लगना चाहिए, मगर जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा डेट का पोर्शन आप इंक्रीज करते रहें। राइट, आई नेल्सन अगले कड़ी की तरफ मूव करते हैं। आइए, आप जो हम सवाल आ रहा है ये महाराष्ट्र से है, नंदेड़ से, और प्रश्न पूछने के लिए अभय मुकुंद लाइन पर मौजूद हैं। अभय साहब नमस्कार, आपका ये जो प्रश्न हम देख रहे हैं, आप 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और आपने मेंशन किया है ये टाइम फ्रेम 2 से 3 साल। आखिर 2 से 3 साल ही क्यों, ज्यादा समय क्यों नहीं? और जी आप लाइन पर हैं? हाँ सर, हेलो। हाँ, आपको क्या 2 से 3 साल के बाद कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है? मैं सर घर में सर, मुझे फर्स्ट टाइम मैं इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा इनका पता नहीं है, तो घर में थोड़ा वो शादी का माहौल भी हो सकता है 2-3 साल में। ओके, आपको वजह से मैं राइट, तो ये टाइम फ्रेम आप लेकर चल रहे हैं और आपने इसे स्पेसिफिकली मेंशन किया है ये सुरक्षित, मतलब आप एकदम सेफ प्ले करना चाहते हैं इस टाइम फ्रेम में 2 से 3 साल। वैसे भी अगर आप ज्यादा समय देते तो हम और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन 2 से 3 साल में ऑप्शंस भी लिमिटेड रहेंगे। लेकिन उसमें निल्सन साहब, एक तरफ जो फिक्स मेच्योरिटी प्लान्स रहते हैं उनको कैसे आप देखना चाहेंगे, बैंक एफडीज भी हैं, आप उनको किस तरह से, मतलब आप दोनों को वे करेंगे और कैसे एनालिसिस करते हैं उनके समक्ष रखेंगे? मेरी राय रहेगी कि 2 से 3 साल के लिए एफएमपी का जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है ये सबसे बेहतर रहेगा उनके लिए। देखिए फिक्स डिपॉजिट भी है, मगर फिक्स डिपॉजिट में जो टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है वो सबसे ज्यादा होता है डेट कैटेगरी इन्वेस्टमेंट्स में। एफएमपी में जो टैक्स का जो इम्प्लीकेशन होता है वो फिक्स डिपॉजिट से कम ही रहता है। और आप रिस्क फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रिस्क सबसे नेग्लिजिबल रिस्क एफएमपी में मिलता है। एफएमपी का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। इसका जो रिटर्न है लगभग फिक्स डिपॉजिट्स जितना ही बनता है, कभी कभी उससे ज्यादा भी बनता है, मगर इफेक्टिवली आफ्टर टैक्स यील्ड जो बनता है वो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा मिलता है। ये जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है इसको हम शॉर्ट टर्म डेट फंड बताते हैं, और ये जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है ये सीडी और सीपी जैसे शॉर्ट टर्म पेपर में इन्वेस्ट करता है जो लगभग सेफ ही होते हैं। मेरी राय इनके लिए रहेगी कि वो एफएमपी की तरफ देखें, क्योंकि एफडी से बेहतर ही रहेंगे टैक्स के हिसाब से देखें या रिटर्न्स के हिसाब से देखें तो भी। राइट, ये क्योंकि जो आप टाइम फ्रेम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ये राय दी गई है, जिस समय में निवेश के विकल्प रहेंगे उसके हिसाब से ये आपके राय है। बाकी जो डिटेल्स हैं कुछ स्क्रीन पर भी हैं, इन पर आप नजर रखिए और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी प्लान आउट कीजिए। ऑल द बेस्ट, आपके फीडबैक का भी हम इंतजार करेंगे। हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कई और सवाल हैं। आप शो में पार्टिसिपेट करना चाहें तो प्रश्न हम तक भेज सकते हैं मेल और एसएमएस के जरिए। आपके सजेशंस का भी हम इंतजार करेंगे, शो को हम कैसे इंफॉर्मेटिव बनाए, कैसे इसमें इंप्रूवमेंट्स करें ताकि आपकी आवाज बेहतर बने, बस ब्रेक के बाद हम जल्दी बात कराते हैं। वेलकम बैक, आज बातचीत हो रही है इन्वेस्टमेंट से तमाम ऑप्शंस पर। शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईफास्ट फाइनेंशियल से नेल्सन डिसूजा साहब, और नेल्सन अगला सवाल जो इंक्लूड कर रहे हैं वो पीपीएफ पर है, ये मेल के जरिए है। एसके बनाती साहब की तरफ से सवाल है दिल्ली से, ये जानना चाह रहे हैं जो एक फाइनेंशियल ईयर में पीपीएफ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो जनरली इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको शो करना पड़ता है टैक्स रिबेट के लिए, क्या उसको यूज कर सकते हैं? लेकिन समाओ ये तो इनके क्वेरीज में और भी पार्ट्स हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी फ्रेश कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से रहेगी उसको ही निल्सन ये टैक्स रेट जो एटीसी के अंडर रहता है वो उसी में फॉल करेगा इंटरेस्ट, क्योंकि वो लास्ट ईयर से जो जुड़ता चला आ रहा है उसके बेसिस पर अब आपको मिल रहा है, उसको तो अवेल नहीं कर सकते टैक्स रेट के लिए?
उतनी नहीं, वो अवेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए लॉजिक ये बनता है कि आपका जो इनकम है उसके ऊपर आप टैक्स रिबेट मांग सकते हो, मगर ये जो पैसा आ रहा है ये पीपीएफ के इंटरेस्ट एक्रूअल से आ रहा है, तो यहाँ पर वो अगले साल लेके उसको ईटीसी के तहत इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। इनके करी में सेकंड जो पार्ट है, जैसे इंडिविजुअल्स के लिए अंडर सेक्शन ईटीसी जो अपर लिमिट पहले 70,000 थी, जिसको अभी हमने देखा पीछे बढ़ाकर 1,00,000 किया गया, वो टैक्स रिबेट के लिए है, लेकिन ये जानना चाह रहे हैं एज फार एज इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न, क्या वो सीमा को क्रॉस कर सकते हैं या ये अपर लिमिट जैसे 1,00,000 ही है तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी वो लागू रहेगी? देखिए ATC के तहत 1,00,000 तक ही आपको रिबेट मिलता है आपके इनकम स्लैब के हिसाब से, मगर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के हिसाब से देखा जाए तो पीपीएफ इज अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखिए पीपीएफ का जो रिटर्न जो है ये गवर्नमेंट इस तरह से ट्रैक करता है कि इन्फ्लेशन के ऊपर आपको रिटर्न मिले, और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट इस स्कीम को इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि देश में लॉन्ग टर्म सेविंग्स का एक हैबिट बनना है, और इसलिए हायर इंटरेस्ट रेट पीपीएफ में मिलता है। और आप देख लीजिए टैक्स के हिसाब से भी देखिए तो इंटरेस्ट जो है इसका टोटली फुली एग्जेम्प्ट बनता है, बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं जो इंडिया में हैं जहां पर आपको इस तरह की सुविधा मिलती है, और लॉन्ग टर्म तो अच्छा ही है, 15-20 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा है, जैसे 15 साल तक आप कर सकते हो, उसके बाद आप एक्सटेंड करके और एक 5 साल भी कर सकते हो यहां पर। राइट, अगले सवाल का मूव करें, ये भी चेक जिस तरह से करना चाह रहे थे, माइनर अकाउंट में अगर जिस तरह से ओपन किया जाए इन दैट केस जो इंडिविजुअल की कंट्रीब्यूशन जो 1,00,000 अपर लिमिट और माइनर के अकाउंट में जो कंट्रीब्यूट करें उसमें एनुअली ये जो अपर लिमिट उस पर भी एप्लीकेबल रहेगी कंबाइंड अमाउंट पर? हाँ, मतलब वो माइनर अकाउंट देखिए वो अलग सा अकाउंट बनता है, यहाँ पर जहां तक उनके नाम पे ये पीपीएफ अकाउंट है वहां तक ये इनकम टैक्स रिबेट के लिए इसको यूज कर पाएंगे। राइट, आइए नेल्सन अगली क्वेरी का मूव करते हैं बैंगलोर, और ये प्रश्न समय पूछने नीतू सिंह जी लाइन पर हैं, इन्होंने इनफैक्ट पोर्टफोलियो भी भेजा था मेल के जरिए, हम स्क्रीन पर उसको रन करेंगे। इनका पोर्टफोलियो जो हमने देखा उसमें कई टॉप परफॉर्मिंग फंड्स इन्होंने उसमें शामिल किए हुए हैं, लेकिन मैम ये जो आप गोल सेट करके चल रहे हैं जिस तरह से हमने दो गोल्स देखे हैं, एक आप अनदर 5 ईयर्स घर के लिए इन्वेस्टमेंट को लेकर चल रहे हैं और फिर अनदर 15 ईयर्स बच्चों के हायर एजुकेशन को, ये जो एग्जैक्टली आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इस समय आप उन पर किस तरह के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो गोल आपने सेट किया हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए उसमें आप किस तरह से आपकी पूरी प्लानिंग आप प्लीज शेयर कर सकते हैं, कितने रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली? जनरली 12-15% करते हैं, और अभी जस्ट 6,000 मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है और मुझे और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो इसलिए मैं ये जानना चाहती थी कि मुझे कुछ और फंड्स तो सजेस्ट करें जो मैं अभी कर रही हूँ उसके अलावा, जिसमें मैं कर सकूँ इन्वेस्ट ताकि मैं अपने गोल को रीच कर सकूँ। राइट मैम, क्योंकि नेल्सन साहब जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो रिटर्न्स 12% राउंड अबाउट एक्सपेक्ट कर भी चले तब भी इस गोल तक नेक्स्ट 5 ईयर्स में पहुंचना डिफिकल्ट होगा, उसके लिए अमाउंट बढ़ाना होगा, और जिसके लिए कह रहे हैं ये रेडी भी हैं, इन दैट केस फिर अगर ये जो इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो इनकी तरफ से रहेगा उसको किस तरह से प्लान आउट किया जाए इन गोल्स तक पहुंचने के लिए, ये दो गोल्स जो दोनों ही गोल्स अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से आप इनको एडवाइस देना चाहेंगे? अच्छा, पहली बात, आप जो अभी करंट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं वो 6,000 का इन्वेस्टमेंट है, यदि इस पर सोचिए कॉन्जर्वेटिवली 10% का रिटर्न भी मिले आपको लगभग 4,60,000 रुपये का एक कॉर्पस बन जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आप गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। यदि आपको ये गोल आपको 15 लाख जो 5 साल में चाहिए अपने घर के निवेश के लिए, यदि 10% का वापस आप कॉन्जर्वेटिव रिटर्न ले तो आपको लगभग 19,370 रुपए का मंथली का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, तो आप बता रही हैं कि आप इंक्रीज कर पाएंगी, तो आपको इंक्रीज करना ही है तो आपको यहां तक इंक्रीज करना है यदि आपको आपका जो हाउस गोल है वो अचीव करना है। अभी देखिए आपने ये भी बताया कि आपने जब पहले प्रश्न भेजा था तो आपने बताया कि आप 10 से 12,000 रुपए तक आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो यहां पर जब मैंने थोड़ा बहुत एनालिसिस किया तो मुझे पता लगा कि यदि आप 12,000 रुपए 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करें और 10% का रिटर्न मिले तो लगभग 48,00,000 तक आप जुड़ पाएंगे आपके टोटल गोल्स के लिए, मगर आपने जो गोल्स दिए हैं वो स्प्लिट हैं, आप बता रहे हैं कि 5 साल में आपको हाउस का एक गोल अचीव करना है और दूसरा आपको 15 साल में
30 लाख का एजुकेशन का गोल अचीव करना है। यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग हाउस का गोल देखें, यहाँ पर 5 साल में आप नहीं कर पाएंगे, मगर आप यदि 7 साल के बाद आप घर का गोल अचीव करना चाहती हैं तो यहाँ पर आप 12,000 का इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और 10% के हिसाब से आप आराम से आपका जो कॉर्पस है आप अचीव कर पाएंगे। लगभग 14,50,000 तक आपको 10% के हिसाब से कॉर्पस बन जाएगा। उसके बाद बाकी के 8 साल में आप यदि वो 12,000 ही कंटिन्यू करें तो 17 लाख तक आप जुड़ पाएंगे आपके बाकी के गोल्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा जो गोल है आपका 30 लाख का, तो वो इस अमाउंट से आप अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पर आप 19,000 का मंथली इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपके दोनों गोल आप अचीव कर पाएंगे। तो मैं क्विकली राय देना चाहता हूँ आपके फंड्स के ऊपर। आपके फंड्स अच्छे हैं, मगर आप इसके अलावा IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में 3,000 डालें। आपके पास HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी है तो यहाँ पर 2,000 और आप लगा के इंक्रीज कर लें, और UTI अपॉर्चुनिटीज फंड उसमें 2,000 रुपए लगा दें, तो आप ये कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राइट, ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से आप बड़े अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा जिसके लिए आप रेडी भी हैं, और इस तरह से ये आप पूरी प्लानिंग जो है आगे लेकर चल सकते हैं गोल तक पहुंचने के लिए। आइए अब अगले सवाल का मूव करते हैं जो कि मेल के जरिए है। ये प्रश्न है हमारे पास जो आया है विजय साहब का। ये खुद एक टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में है, और इन्होंने मेंशन किया है ये जल्द ही इनको प्रमोशन मिलने वाली है, ये स्कूल के हेडमास्टर भी बन रहे हैं। ओके, कंग्रेट्स फॉर दैट। इन्होंने जो मेंशन किया इनकी सैलरी में जिस तरह से उसका इजाफा होगा ऑलमोस्ट 10,000 पर मंथ का, तो उसको लेकर ये पूरी इन्वेस्टमेंट प्लान आउट करना चाह रहे हैं। और इन्होंने जो मेंशन किया स्पेसिफिकली कुछ इंश्योरेंस में इनके जा रहे हैं, HDFC टॉप 200 में इन्वेस्टमेंट है, HDFC टैक्स सेवर में है, और समहाउ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बढ़ना चाह रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब इसमें नेल्सन साहब, ये रिटायरमेंट प्लानिंग की जो पूरी प्रक्रिया है ये अपने आप में काफी अहमियत रखती है। एक तो जिस तरह के आजकल हम देख रहे हैं हेक्टिक डिमांडिंग और जो प्रेशर वाली जॉब्स हैं, लोग कई बार अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। मोर ओवर जो आजकल की जो लाइफस्टाइल्स जिस तरह से कोई इंडिविजुअल व्यतीत कर रहा है, वो पोस्ट रिटायरमेंट भी वैसे ही रहे, वो स्मूथ रहे, डिपेंडेंस किसी पर ज्यादा ना हो, ये काफी इंपॉर्टेंट इसकी रहती है। तो ये जिस तरह से पूरी प्लानिंग कर रहे हैं इसमें किस तरह से ये बढ़ना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये देख लें, जैसे इन्होंने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो बताए हैं, ये एडिक्वेटली कवर्ड हैं या नहीं है? नहीं है तो उसमें जिस तरह से इंक्रीज करते हुए अमाउंट को, जो कवर को, मोर ओवर इन्वेस्टमेंट्स को कैसे पूरा प्लान करना चाहिए, क्योंकि इस गोल तक पहुंचने के लिए रूट्स कई हैं, आप क्या रूट इनको एडवाइस करना चाहेंगे? सिंपलेस्ट तो बता सकता हूँ। यहाँ पर आप इंश्योरेंस का देख लें, तो यहाँ पर पहले आप कुछ भी शुरू करें तो पहले आपका इंश्योरेंस देख लें, लाइफ कवर है कि नहीं देख लें। उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप SIP के जरिए शुरू कर लें। तो यहाँ पर इनका जो गोल है लॉन्ग टर्म है, तो 20 साल तक वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू कर लें, SIP रूट यूज कर लें। मेरे पास आपका जो करंट आपने जो बताया अमाउंट आपके पास जो अवेलेबल है उसके लिए ब्रेकअप देता हूँ। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपका जो अमाउंट है उसके लिए 40% आपका उसमें सेविंग्स में से आप ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड में डालें, 30% मिड कैप फंड IDFC स्टर्लिंग इक्विटी फंड में डालें, और 20% जो है मल्टी कैप फंड UTI अपॉर्चुनिटीज, और 10% बैलेंस फंड HDFC बैलेंस फंड में डालें। इसके अलावा जब भी आपका जो आपने ये भी बताया कि आपकी सैलरी इंक्रीज होने वाली है क्योंकि आपका जो प्रमोशन हो रहा है, तो जब आपका जो इंक्रीज अमाउंट आएगा तो आप और फंड्स ऐड कर लें। इसके लिए आप इस प्रोग्राम को देखते रहें, या नहीं तो आप जो मैंने अभी जो फंड्स बताए उसी में आप प्रोरेटा बेसिस पे इंक्रीज कर लें अमाउंट्स, और हर साल एक बार आप देख लें। आप ये तो सिंपलेस्ट मेथड है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप डिसिप्लिन्ड, आप हर महीने SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आपका जो ओवरऑल गोल बढ़ता जाएगा। मगर इसके साथ आप थोड़ा डेट का भी कंपोनेंट इंक्रीज कर लें, PPF NSC टैक्स फ्री बॉन्ड्स जो होते हैं इसमें भी आप निवेश कर लें ताकि आपका रिस्क थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। राइट, और ये पूरे इन्वेस्टमेंट प्लान रहेंगे, एडवोकेटली कवर है वो भी देख लें, और मेडिकल इंश्योरेंस भी अपने और फैमिली के लिए उसको भी जरूर चेक कर लें, वो भी बेहद जरूरी रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिलहाल एक और ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आखिरी सेगमेंट के साथ, बस जल्दी लौट कर आते हैं। वेलकम बैक, ये आखिरी सेगमेंट है और आइए अगला प्रश्न हम शामिल करते हैं। इलाहाबाद से अशरम खान साहब इस समय लाइन पर हैं। खान साहब स्वागत है आपका। इनसे लाइन इनफैक्ट डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन इनका जो प्रश्न है वो हम लेते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने जैसे मेंशन किया है ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये भी कुछ सुरक्षित विकल्प चाह रहे हैं। 26 साल इनकी उम्र है और जो 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, टाइम फ्रेम 10 साल है।
नेल्सन, जिस तरह से हमने शुरू में भी एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के जो संबंधित सवाल था टच किया था, इसमें एफडीज वर्सेस एफएमपीज को हम कंपेयर कर रहे थे, लेकिन उसमें टाइम फ्रेम 2 से 3 साल था और एफएमपी जैसे आपने कहा था जहां तक टैक्स इम्प्लीकेशंस की सवाल है उसमें वो समहाउ बेटर स्टैंड आउट करता है उस टाइम फ्रेम में, लेकिन क्योंकि ये 10 साल की बात है तो इन दैट केस आप किस तरह से इसको व्यू करना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर 10 साल की बात है, इसीलिए मैं ज्यादातर इन्वेस्टर्स को बताता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट की तरफ देखें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बाकी के इन्वेस्टमेंट्स का जो लॉन्ग टर्म पिक्चर उतना क्लियर होता नहीं है। तो 10 साल के लिए मेरा मशवरा रहेगा कि एक उनका फिक्स डिपॉजिट की तरफ ध्यान होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, और यदि उनको एफएमपी की तरफ देखना है तो 2 से 3 साल तक का ही होराइजन मिल सकता है। यहाँ पर एफएमपी में जैसे मैंने पहले बताया टैक्स इफिशियंट है और यील्ड्स भी बेटर मिलते हैं इस टाइम फ्रेम के अंदर। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में आप टैक्स फ्री बॉन्ड्स की तरफ भी देख सकते हैं, बहुत सारे टैक्स फ्री बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, आप उनके जो सब्सक्रिप्शन पीरियड्स की तरफ थोड़ा देख लें, उनके वेबसाइट पे सब्सक्रिप्शन पीरियड आ जाते हैं साल में अलग अलग महीनों में। जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स हैं उनके नाम कुछ लेना चाहता हूं मैं, एनएचएआई बॉन्ड, आईआरएफसी, खुदको, आरईसी और पीएफसी, ये जो 5 ये पीएसयू टैक्स फ्री बॉन्ड्स है, इसमें जो रिटर्न्स होते हैं करेंटली जो दिखा जा रहा है 8% के हिसाब से अभी रिटर्न्स मिलते हैं यहाँ पर, तो उनकी तरफ भी ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। राइट तो ये आपके लिए राय है क्योंकि आप सुरक्षित एकदम प्ले करना चाहते हैं, लेकिन आपके जो प्रोफाइल हम देख रहे हैं जिस तरह से 26 ईयर्स और ये जो इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाह रहे हैं, अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकें तो वो आपको बेटर रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन फाइनल कॉल आप ही को लेनी है जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहें। ऑल द बेस्ट, हम इसी नोट पर शो को वाइंड अप करेंगे। नेल्सन डिसूजा, शुक्रिया आपका शो में पार्टिसिपेट करने के लिए, थैंक यू, और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, क्योंकि आज जिस तरह से हमने बातचीत की है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट्स मार्केट पर, लेकिन कल जब हम हाजिर होंगे पर्सनल फाइनेंस शो है तो कल हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन के बाजार पर, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन सेंट्रिक। कल आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कल अपना पैसा से बलवन जैन साहब शो में पार्टिसिपेट करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दें, नमस्कार।